हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक हो चुका आप सभी लोगों का मेरे एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे पिछली वीडियो में हमने ये काफ़ी सारा सामान जमा किया था घर बनाने का। तो आज हम घर बनाने वाले हैं, और मैंने ये दो चेरी के सैपलिंग भी खरीदी थी। और जो भी लोग नए आए, मैं उनको बता दूँ कि ये एक ऐसे सर्वाइवल सीरीज़ है, एक ऐसा चैलेंज है जिसके अंदर मैं कुछ भी एडिट नहीं करने वाला, और उसमें आपको ऐसे पीछे गाड़ियों की आवाज़ सुनने को मिलेगी। ये एक चैलेंज है, तो चैलेंज तो कंप्लीट करेंगे। पिछली बार मैंने घर बनाने के लिए ये सारा सामान जमा किया था, अभी इसको एक जगह साइड में रख देते हैं। और ये फूल भी मैंने उसी के लिए लिए थे, और मेरे को क्या क्या हटना तो और भी कुछ चाहिए था। मेरे को थोड़ा सा ऑब्सीडियन चाहिए, तो ऑब्सीडियन लेने चलते। वहाँ वाला पोर्टल तोड़ के लेके आते जरा। चलो चले चलो चले, ये विलेज पूरा मैंने खाली कर रखा है। चलो अभी हम आ चुके। अरे 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 भाई भाई, आराम से। चलो अभी यहाँ से ऑब्सीडियन ऊपर का तो मैं पहले ले गया, इधर का भी ले लेते हैं। मेरे को एक पोर्टल बनाने जितना ऑब्सीडियन चाहिए। 22 से तो सालों लग जाएंगे। मेरे पास क्या है, अनब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं है, मेरे पास लेवल्स भी नहीं है। भाई ये मैं नहीं कर रहा, इसे किसी दिन और दिन करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। अगर मैं लावा बकेट में ले आऊँ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, लेकिन मैं अभी लावा वावा लेने नहीं जाने वाला। मैं घर बनाने के लिए सामान क्राफ्ट करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को चाहिए होंगे ग्लास, चाहिए होंगे थोड़े से लॉग, लॉग तो है मेरे पास। मेरे को फेंसेस भी चाहिए होगी। मैं सोचो चेरी का बनाए या नहीं, ओक का बना लेते हैं। अभी तो इसमें कहाँ देख रहा हूँ मैं, ओक का बना लेते। इतनी लकड़ी के पहले प्लैंक्स बनाते, इसके स्टिक्स। अभी बना लेते हैं फैंस। मैं भी 10 यानी 30 में मेरा काम नहीं होगा, 60 में मेरा काम हो जाना चाहिए। थोड़े से फैंस गेट भी बना लेते, ये तो मेरे को कम से कम 10 तो चाहिए होंगे। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि घर में कैसा बनाने वाला हूँ, बस मैं बनाने आया हूँ तो कुछ तो बनाएंगे। थोड़ी सी स्टेयर क्राफ्ट कर लेते हैं, स्टेयर रख लेते हैं। मेरे पास सब कुछ है। पिस्टन, पिस्टन की रेसिपी क्या है, पिस्टन एक आयरन और एक रेडस्टोन। मेरे को थोड़ा सा कॉबलस्टोन भी चाहिए पिस्टन के लिए, मैं भूल गया है। मेरे को पता नहीं कैसे कुछ भी याद नहीं है। और मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड की वीडियो नहीं है ये, वो मेरे को पता है क्यों।
क्योंकि मैं कुछ बड़े बिल्ड पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था। यार मैंने मशीन चालू ही नहीं की। वाह, थोड़ा सा कॉबल स्टोन चाहिए मेरे को, ज़्यादा नहीं। ये देख लो गाइस कैसे इसके ड्यूरेबिलिटी गिर रही है यहाँ खड़े होने से। इतना कॉबल स्टोन बहुत है भाई, बंद हो जाऊँ। बस बस बस, अरे हाँ चलो ये सही है। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे वाले स्टोन पड़ा है, तो मेरे को इसकी दिक्कत नहीं होने वाली। बट मेरे को कॉबल स्टोन चाहिए था भाई। बारिश अभी क्यों होनी थी? जितने बनते उतने बनाते। वैसे मेरे को नीड कितने की है? मेरे को 20 की नीड है, थोड़ा और कॉबल स्टोन लेके आते। चलो ये भी डन हो गया, बाकी का आयरन रख देते और इसको इधर डाल देते। यार बारिश अभी क्यों हो गई? अभी नहीं होनी थी ना। ये सब उठाते और फार्म मतलब घर बनाने के लिए चलते। फिलहाल अभी मेरे को इसकी 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 ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसकी भी है लेकिन अभी नहीं है, पहले मेरे को घर का वो कंप्लीट करना है। तो पिस्टन भी रख देते। चलो अभी इस तरफ चलते हैं। मेरे को एक स्टोन कटर क्राफ्ट कर लेना चाहिए जो कि मेरे बहुत काम आने वाला है, तो उसके लिए मेरे को एक आयरन लगता है। आयरन लो। चलो ये गोलम बाहर कैसे घूम रहा है? किससे पूछ के आया बाहर? चल जल्दी अंदर भाई, ये तो इधर से मारेगा। चल अभी क्राफ्ट कर लेते हैं अब हमारा स्टोन कटर। चलो अभी चले, रात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सो जाते, अगले दिन काम करेंगे। बारिश के अंदर भाई काम करने में बहुत दिक्कत होगी। चलो ये वैसे हमारे घर का इंटे मतलब बेस होने वाला है। ये मैंने लास्ट यहाँ तक काउंटिंग की थी ना। हाँ चलो इसको पूरा स्क्वायर बना देते हैं अभी के लिए, बाद में मेरे को पता है तोड़ना पड़ेगा। गाइज अगर आपको भी ऐसे गाड़ियों की आवाज़ सुननी है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी ये मेरा चैलेंज है, वरना आपको नहीं सुनाता मैं। ये हो चुका है अभी डन, और इसके ऊपर मेरे को फेंसेस लगा के कुछ तो डिज़ाइन देना है। मैंने स्टोन की वॉल भी नहीं बनाई, कोई नहीं, मेरे पास स्टोन कटर है, इसको लगा देते हैं यहीं पे। थोड़ी सी वॉल क्राफ्ट कर लेते, जैसे ये बीच में से 1 2 3 4 ये भी इस तरीके से। नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये या तो इस तरीके से आएगा,
वैसे लेकिन ये बाण जैसा लग रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं। स्टोन के वॉल भी ठीक है लेकिन ये वैसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या लगता है क्या लगाना चाहिए, सोचो जल्दी बता। इस तरीके से लगाए तो घर की बाउंड्री, ये है घर की बाउंड्री, लेकिन वही नहीं समझ आ रही मेरे को कैसे बनाए। ये इतने अच्छे नहीं लग रही। तो गाइस ये होने वाले हमारे घर की वॉल, मेरे को पता है ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही लेकिन हाँ फिर भी अभी के लिए यही होने वाली है। तो अभी एक स्ट्रैक से ज़्यादा इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। भाई नीचे कहीं से तो हाबड़े हुबड़े की आवाज़ आ रही है, मतलब जोम्बी की। भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मतलब मैं जितने भी ज़ॉम्बी देख रहा हूँ ना, मतलब ऑलमोस्ट अभी मैं किसी और चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो सारे पम्पकिन हेड पहन के आ रहे हैं। मे बी ये हेलोवीन आ रहा है इस वजह से। ये देखो ये भी है, और ये मारने पे पम्पकिन ड्रॉप भी नहीं करते। ये देखो इसे मारा, पम्पकिन ड्रॉप भी नहीं करते। मेरे को बताना गाइस ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। ये मे भी हेलोवीन की वजह से ही है, बट मैंने तो अपडेट करे ही नहीं कुछ। चल चल, अरे भाई फौज आ गई। यहां से आ रहे ना केव में से, मैंने यहाँ पे डर्ट नहीं भरी, कोई बात नहीं। अभी तो इतनी वॉल हुई है, मैं सबको मतलब मेरे को वहां से नहीं उठानी थी, वहां पे मेरा घर होने वाला है। ये अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे पहले, तो अभी यहाँ पे इसे हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारे उसके घर के एंट्रेंस है। तो यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर रहा हूँ मैं अभी के लिए कि हाँ ये हमारा रास्ता होना चाहिए, ये ऐसा सीधा जाएगा। ये हो गया डन, इधर से भी कर देते हैं। अभी भी मेरे को ज़ॉम्बी की आवाज आ रही है, मेरे को नीचे टॉर्च लगानी चाहिए। इसको भी ऐसे कर देते हैं, ये भी हो गया। और अभी यहाँ से सेंटर लेते, सेंटर कितने का होना चाहिए, मैंने से 30x40 ऐसे समथिंग कुछ लिया था, इसे काउंट कर लेते भी, एक दो कट, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 30 है ये। तो मेरे को 15 का सेंटर लेना है, दो तीन चार पाँच
पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो ये हमारा सेंटर होने वाला है, ये हो गया हमारा सेंटर। अरे नहीं हट ना, ये एक तो एक कूड़ा इतना, वैसे सीट की जब जरूरत होती है ना सब्जी करो तब सीट नहीं मिलते। नया नया वर्ल्ड स्टार्ट करो तब 10 ग्रास तोड़ने से कहीं सीट मिलता, और अब जब जरूरत नहीं होती तब तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये हो चुका है अभी डन, और फेंसिंग यहाँ पे काम आएगी, और थोड़े से मैंने वो क्राफ्ट नहीं करे, मेरे को मे भी 16 में काम हो जाना चाहिए, नहीं 16 में काम नहीं होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई 16 में परफेक्ट काम हो गया, अच्छी बात है। तो इसे मैं तोड़ करो, हाँ ये हो चुका है अभी के लिए। तो यहाँ पे अभी मेरा घर आने वाला है, तो यहाँ पे लॉग निकाल लेते, मेरा घर यहाँ पे होने वाला है। इसकी हाइट रखेंगे हम, अभी 3 है ना, इसे 4 हाइट का बनाते, 4 5। और ये कितने ब्लॉक्स है, 1 2 कॉर्नर करने, इसे भी गिन लेते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लॉक है टोटल, तो इसे 10 ब्लॉक का कर देते। एक ये है, 1 2 इसको छोड़ के, ये मैं जगह बस ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, 2 3 4 5 ये हो चुका है 5 5 ब्लॉक का। ये घर भाई, ये कुत्तों को भी अभी लड़ना था, ऐसे में कितने ये भी गिन लेते, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसे 12 रख लेते। मैं कोई सेंटर तो नहीं ले रहा, बट हाँ मेरे को घर से काम करके डर्ट ले आनी चाहिए। ये भी 5 ब्लॉक है ना, हाँ 5 सब 5 ब्लॉक है ये भी। चलो भी घर से थोड़े से डर्ट लेके आते, वरना ये तो बहुत परेशान करेंगे। चल आ जा गोलम, आ जा अंदर आ जा, चलो चलो भागो भागो भागो, मारता तेरे। हमें को यहाँ से चाहिए थी डर्ट, डर्ट मेरे पास पड़ी है भाई। 5 पिस्टन भी पड़े थे, मैंने फालतू में क्राफ्ट करी, मेरे पास डायमंड वगैरह सब पड़ा थोड़ा सा ही। दिल्ली रात हो जाए सो जाए, वहीं लेके चलते हैं भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक तो वैसे विदाउट एडिट है, उसमें भी आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरे को सोचने में निकल जाता है। और अभी यहाँ पे एरिया फिलिंग शुरू करते हैं, वैसे विदाउट एडिट तो रात में सो काम करो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे विदाउट वीडियो को बिना एडिट के अपलोड करना रहता है, ना कि नाइट बिना स्किप किए। वैसे गाइज आप भी कोई ख़तरनाक चैलेंज दे सकते हो कि इसके बिना ऐसे करो, वैसे जो भी आपके माइंड में हो, कितना हार्ड हो मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगा। देखो चैलेंज कितना हार्ड हो बट ट्राई करना ज़रूरी है भाई। इसे इधर नहीं, इधर लगाओ, सो जाओ भाई। किधर है, मैं नीचे इन्हें मार के आऊँगा। किधर है ये, इधर तो नहीं है, इधर थे ना कि इधर से चलते नीचे। कहाँ मेरी टॉर्च, कहाँ है और कहाँ है, कितने हैं,
चलो चलो भाई, कहाँ है ये टनल, कहाँ जा कहाँ रही है ये भाई? हैं, मैं जहाँ घर बनाने वाला हूँ यहाँ स्पॉनर भाई, इस वाले मतलब वर्ल्ड के अंदर मेरे को कितने स्पॉनर मिलेंगे भाई? यहाँ से डिग अप करके देखो कहाँ निकलूंगा मैं, इसे फिल कर दो भाई, अनएक्सपेक्टेड। चलो अब तो मैं इसका बाद में कभी ऐसा फार्म बनाऊंगा कि यहाँ स्पॉन हो, सीधा ऊपर कर दो चेस्ट दोनों लूट लेंगे मैंने, कोई बात नहीं बाद में लूट लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टॉर्च लगाते हुए चलो भाई, ये तो मस्त मेरे को इस वीडियो में मतलब चार स्पॉनर इस वीडियो में नहीं मतलब इस वर्ल्ड के अंदर चार स्पॉनर मिल चुके हैं। बाकी माइनशाफ्ट वाले अगर ना जोड़े तो दो स्पॉनर, अभी सोते हैं और देखते हैं वो स्पॉनर है कहाँ पे एग्जैक्ट में। इधर है भाई, बहुत सही है, इधर ये स्पॉनर है, इसे बंद कर दो, आ जा तू आ जा पहले बस ठीक है। मेरे को ज़्यादा कुछ तो आइडिया भी है नहीं, मैं सोचो इसको एक ब्लॉक उधर जगह छोड़ दी जाए। हाँ इसको एक ब्लॉक जगह छोड़ देते हैं इधर से, या फिर नहीं रहने देते, वैसे भी घर की एंट्री इधर से होने वाली है। और यहाँ पे लगा देंगे अभी हम एक स्टोन की लेयर, फिर एक और स्टोन की लेयर। भाई ये डब्बा सा बन रहा है, मेरे को कुछ तो सोचना तो पड़ेगा, इसे बाद में अपग्रेड तो करूँगा बाद में से, मेरा मतलब है पहले अभी इसका आउट लेयर पूरा कंप्लीट कर लेते, बाद में देखेंगे डेकोरेशन। जो घर बनाने से पहले सब लोग उसका स्ट्रक्चर तैयार करते ना उसी तरीके से। इधर है चार, इधर है तीन, तो ये होना चाहिए हमारा गेट। वैसे थोड़ा सा गेट सेंटर से कम हो रहा है लेकिन ठीक है, सेंटर है। चलो फटाफट से इसको बिल्ड कर देते भाई, बहुत टाइम लगेगा इसमें। एक तो भाई ये जैसे मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ चक्की वाले का भाई कस्टमर आ जाता है, इसको याद आ जाता है कि चक्की भी चलानी है भाई। लाइट आती है ना तब चक्की नहीं चलाता, शायद मे भी सिर्फ जनरेटर पे चलती है मेरे को नहीं पता। चलो बंद तो इस चक्की, मैं भी सिर्फ इसका डब्बा ही बना रहा हूँ, इसे बाद में देखेंगे डेकोरेट करने का। डेकोरेट मैं तो कुछ करूँगा, हाँ क्रीपर भाव लो सीड खाओ, रहने दे बेटा मैं तेरे से मजे लेने नहीं आ रहा, जैसे आऊंगा ना भाई फट जाएगा बड़ी तेजी में। ये डन, अभी चलते थोड़ा सा ग्लास लेके आते और इधर से इसको तोड़ देते, इसको तोड़ देते, इसको तोड़ देते। ये हो गई हमारी खिड़की, एक सेम इधर भी बनाते जो कि काफी ठीक ठाक है शायद, आई एम नॉट श्योर। इधर एक और खिड़की मैंने सोची है पीछे की साइड, और इस साइड तो कोई खिड़की वगैरह मैं नहीं बनाने वाला कि भाई बैक यार्ड पे कौन बनाता है और वहाँ से कौन देख रहा है मेरे घर को, ऐसे देख तो कोई वैसे भी नहीं रहा है लेकिन हाँ। आप लोग तो देख ही रहे हो, मैं दिखाऊंगा ना अंदर से, ये काफ़ी हद तक बढ़िया है। मैं सोचूं यहाँ पे फैंस लगाऊंगा तो अच्छे लगेंगे, नहीं भाई तो वैसे भी उधर काम आएगा, इधर तो इसका कुछ काम नहीं है।
अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूँ तो भाई बेकार नहीं लग रहा वैसे, कर देते गाइस। अगर आपको बेकार लग रहा हो ना तो मेरे को बता देना, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मतलब वापस से चेंज करके दूसरे वाले लगा दूंगा। चलो चलो 12 बजे टॉर्च। हेलो क्रीपर 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 क्रीपर, मजे नहीं लेता, अगर फट गया ना तो भाई लेने के देने हो जाएंगे। और लॉग यहाँ पे भी लगा देते थोड़े से इस तरीके से, अरे ऐसे नहीं लगाना भाई, इसको ठीक नहीं कर सकते कि ऊपर ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम गाइस मैं कुछ तो ट्राई कर रहा हूँ, मैं टाइम के साथ सीख जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है ना कि छोटे मोटे, मतलब मैं माइनक्राफ्ट में मैंने ज़्यादा कुछ वो किया नहीं, मेरे को ज़्यादा आता नहीं है माइनक्राफ्ट, थोड़ा बहुत ही आता है। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ कैसे बिल्ड्स में नहीं आता कुछ। अभी ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, अभी ये विंडो ना मेरे को सच्ची बता रहा हूँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी सी लग रही है, तो इसको ऐसे करते तो यहाँ से एक ऐसे वुड की लाइन निकाल दे तो कैसा लगेगा, ट्राई करके देखते, बेकार लगेगा तो भाई हटा देंगे। और क्या से तो नीचे से भी हो ही जाता। हाँ चलो अभी भी हो गया, ये इसे बंद करते। ये मेरे को तो ज़्यादा बेकार नहीं लग रहा, तो मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, मैंने कर ही दिया है चेंज। चलो मेरा घर, मतलब एंट्रेंस तो काफ़ी हद तक मेरे को ठीक लग रही है, अभी इसको तोड़ना पड़ेगा, क्यों वो मैं अभी बताता हूँ। इसे नहीं लगाना, इसे जरा इसे दो, ये ठीक है। और इन दो को इधर लगा देते हैं, हाँ वहाँ लग गया भाई। तो मेरे घर के नीचे गड्ढे कितने हैं, भाई मैं बना तो रहा, लेकिन मेरे को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, एक पिक्सल में जो खराब कर रहा है ना मेरा घर। कोई नहीं, ये पहले से तो काफ़ी हद तक बेटर है। अब मैं यहाँ पे इस तरीके की विंडो लगा सकता हूँ, उसके बाद ये लगेगा। अगर मैं सब खोल दूँ तो मैं निकल लूँगा यहाँ से, हाँ भाई ये करने का मेरे पास बहुत टाइम है। इसे तोड़ते, इस वाली विंडो को ऐसे रखते, इस वाली विंडो को भी बनाते हैं। गाइस आप बताना आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो क्या देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेंज कर लूँगा। मेरे को अच्छा बनाना है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा बना दूँ। ये ट्रैप डोर आएंगे यहाँ पे, ये हो चुका है डन। इधर भी मैं कुछ लगा सकता हूँ क्या, इसमें यहाँ से ज़ॉम्बी वगैरह अंदर आ सकते हैं। हाँ यहाँ अगर वो लोग आएंगे तो मैं उसका कुछ जुगाड़ कर लूँगा, नहीं तो अभी के लिए ऐसा ठीक है। और ट्रैपडोर लगाए दे तो इसे बाहर से नहीं अंदर से लगाते ऐसे, हाँ ये भी ठीक है। देखते हैं साइड बाय साइड कौन सी ज़्यादा बेटर है, वैसे ये वाली ज़्यादा ठीक है ओपन है तो। और ये दो
जो ट्रैप डोर है ये सब अगर मैं इधर लगा दूँ तो भाई ये फिर खराब हो जाएगा डर्ट पाथ। नहीं यार मैं इस फेंस को ऐसे लगा रहा हूँ और डिज़ाइन के लिए ऐसे ही, जो कि मेरे को पता है छत डलने के बाद बेकार नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कई बार मतलब ऐसे बनाया है, मेरे को तो ठीक लगता है। अगर बता भाई बता देना आपको, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा तो जो भी चीज़ अच्छी नहीं होगी बता देना, मैं तो चेंज कर लूँगा, मेरे को दिक्कत तो है नहीं। अभी तो ये इतना बन चुका है, ग्लास मैंने पकने लगाया था, ग्लास को भी लेके आते हैं। मेरा आयरन फार्म तो बढ़िया चल ही रहा है, चेरी की वुड भी उग चुकी है जिसकी मेरे को अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ग्लास फर्नेस में होगा, इसमें भी है। चलो ग्लास लगे, ग्लास ऐसे ही लगाएंगे या तो पेन लगा देंगे इसके, देखेंगे जो भी बेटर लगेगा। चलो ग्लास कहाँ, बस ग्लास लाया तुमने, ग्लास की तो मेरे को जरूरत ही नहीं थी, फालतू में ग्लास लेके आया हूँ। अगर मैं अंदर फ्लोर ऐसे प्लैंक्स का बनाऊँ तो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, कोई बेकार नहीं है। कभी अमीरी होगी तो हम इसे गोल्ड का भी बनाएंगे। गोल्ड से मेरे को वैसे एक आइडिया आ चुका है जो कि आपको जल्दी पता लगेगा। गोल्ड मैं मेरे सर्वाइवल वीडियोस में गोल्ड का थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब करके आ रहा हूँ, एक ही वीडियो में यूज़ किया। बट हाँ एक तो भाई देखो यूट्यूब में मैंने ज़्यादातर देखा है कोई भी भाई गोल्डन कैरेट खाएंगे, पोर्चॉप खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, बट कोई भी गोल्डन कैरेट नहीं खाता, जबकि सबके पास तगड़े तगड़े गोल्ड के फार्म है। भाई मेरा तो फिर भी छोटा सा है गोल्ड का फार्म, उनके इतने तगड़े तगड़े होते हैं फिर भी वो लोग गोल्डन वो नहीं खाते एप्पल, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया फूड है। और भाई सबसे बढ़िया फूड वही है, थोड़े से लकड़ी ख़त्म। चलो 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 जल्दी जल्दी भर दो। मैं इसके रूफ को स्टोन का बनाऊँ या फिर वुड का, वैसे ये उस टाइप का नहीं होने वाला, कुछ डिफरेंट होने वाला है यहाँ पे। इतना हाउस अभी मेरा बन चुका है, वैसे मैंने यहाँ पे लैक्टन लटकाने की सोची हुई है। भाई ये खराब कर दिया मैंने, चलो ये भी हो गया, अभी पहले सो जाते हैं। तो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, बारिश बंद हो जाए। हाँ आज की वीडियो में बस हमने इतना ही घर बनाया, इसे कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूँगा ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।